पांडे देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजरू अर्ली प्राइम टाइम शो झारखंड प्राइम का ये बुलेटिन लेकर करते बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। कोलकाता से बड़ी खबर, कैश कांड में गिरफ्तार झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों में से इरफान अंसारी को बेल बॉन्ड पर भरकर जेल से बाहर निकल आए हैं। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट से पहले इरफान अंसारी को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। बेल बॉन्ड पर रिहा होने के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि मुझे साजिश के तहत फंसाया गया था, मैं कांग्रेस का एक वफादार सिपाही हूं और कांग्रेस में ही रहूंगा, बीजेपी में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 3 विधायकों को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 49 लाख कैश के साथ कार से गिरफ्तार किया था, जिसमें इरफान अंसारी के साथ नमन विक्सल कुंगाड़ी और राजेश कच्छप भी शामिल थे। लेकिन फिलहाल जानकारी ये हम आपको दे रहे हैं कि इन 3 विधायकों में से सिर्फ एक विधायक जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को ही अंतरिम जमानत हाईकोर्ट से मिली है और उसके बाद बेल बॉन्ड भरकर इरफान अंसारी बाहर आए। और जेल से बाहर आने के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं, बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं उठता। यदि 16 लाख रुपया था तो विक्सल का 18 लाख रुपया था, 19 लाख रुपया था, ये मिला के करीब 49 लाख रुपया था। और इसको इस तरह से कम मैं ममता दीदी को कहूँगा कि हमें कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं, कांग्रेस में अलग अलग में है, हम अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन है, आप लोगों ने रन देकर मुझे फंसाने का काम किया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ममता दीदी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन हमेशा मैं ये कहूँगा कि हमेशा मैंने उनका सम्मान किया है। हमको पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए हमें फंसा दिया गया, बीजेपी से कोई लिंक नहीं है। एक मैं इरफान अंसारी, मैं अल्पसंख्यक हज कमेटी का चेयरमैन हूँ, 2 बार का विधायक हूँ, मेरे पिताजी लंबा समय से राजनीति किए, 30 साल MLA रहे, MP रहे, मंत्री रहे, मैं उनके बेटा, मैं बहुत स्ट्रगल किया। हमारे साथ विक्सल कोंगाड़ी जो है वो क्रिश्चियन समाज का पादरी है वो, और राजस्थान आदिवासी समाज का नेता है। हम लोग भाजपा कभी सूट नहीं करती है, हम लोग भाजपा में छूट जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह से हम लोग बताया गया, हम लोग बिल्कुल तो कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी बेल बॉन्ड पर कोलकाता हाईकोर्ट से मिले अंतरिम जमानत के बाद रिहा तो हो गए, लेकिन सवाल एक लगातार बना रहेगा, पैसे आए कहां से थे, वो कोस्ट बंगाल से आईडी जांच कर रही है, जांच में क्या निकलेगा इंतजार इस बात का। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, बेल बॉन्ड पर रिहा हुए हैं इरफान अंसारी, बाकी दोनों का क्या स्टेटस है, बाकी 2 विधायक भी जेल में है अभी? बिल्कुल, देखिए उनका बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सका था, इस वजह से आज वो नहीं निकल पाए हैं, संभवतः सोमवार को वो भी बाहर आ जाएंगे। और जहां तक इरफान अंसारी की बात है तो तकरीबन 21 दिनों के बाद जेल से बाहर निकले हैं, और बाहर निकलने के साथ ही आपने देखा होगा कि इरफान अंसारी के तेवर पुराने, जो तेवर उनका रहा है, जिस मिजाज के लिए वो जाने जाते हैं, उसी सरीखे का आज भी नजर आया। और बाहर निकलने के साथ ही वो बंगाल सरकार पर वो जमकर हमला करते नजर आए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने राजनीतिक फायदे के लिए एक साजिश के तहत उन्हें फंसाने का काम किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो ममता बनर्जी का व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करते हैं। जहां तक बीजेपी में जाने का मसला है, बीजेपी में जाने की जो बात लगातार चर्चा हो रही थी और इस पैसे को उसी से जोड़कर देखा भी जा रहा था, तो उस बात का भी उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मैं एक पुराना कांग्रेसी रहा हूँ, मेरे पिता कांग्रेसी रहे हैं और मेरे खून में कांग्रेस बसता है, लिहाजा बीजेपी में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। और जिस पैसे की बात कही जा रही है, जिस पैसे को पकड़ा गया था और उस पैसे के बदौलत उनको जेल जाना पड़ा, उसके बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पैसे जो है वो क्षेत्र की जनता के लिए, साड़ी खरीदने के लिए, उनके उसके लिए ये रखे गए थे, और गलती ये उनसे हो गई। जो इरफान अंसारी ने मीडिया से जो बातचीत की उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा कि गलती ये हो गई कि 3 विधायकों के पैसे जो थे वो एक ही गाड़ी में रख दिए गए, और इससे ये सारा जो है मिस कम्युनिकेशन हो गया और उस वजह से उनको जेल जाना पड़ा। तो उनको लगता है कि एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी हुई है उनके मामले में, और उसी मामले के तहत उनको जेल की यात्रा करनी पड़ी है। तो बाकी राकेश की ये बात तो कम से कम स्पष्ट हो चुकी है कि जो पैसे थे वो इन लोगों के थे और इकट्ठा थे, इसलिए वो ज्यादा लग रहे थे। और कॉन्स्पिरेसी की बात की तो ममता बनर्जी को एक कांग्रेस के विधायक को फंसा कर मतलब क्या फायदा मिलता है, सर कुछ कहा उन्होंने? नहीं देखिए, ये तो उन्होंने नहीं कहा कि उससे उनका राजनीतिक फायदा क्या होगा, लेकिन ये जरूर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा हमला किया है बंगाल की सरकार पर, वहाँ की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, तो उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल
फायदे के लिए कॉन्स्पिरेसी रची गई और उस कॉन्स्पिरेसी का वो शिकार हो गए। जहां तक दोनों विधायकों की बात है, नमन मित्तल कोंगाड़ी की बात कर ले या राजेश कच्छप की बात कर ले, तो उनका बेल बॉन्ड नहीं भराया जा सका था, जिस वजह से शायद उनकी आज रिहाई नहीं हो पाई है। और संभवतः जो सूचना मिल रही है पंकज की, सोमवार को ये दोनों भी जेल से बाहर होंगे। राकेश, छोटा सवाल एक और, जो बंगाल सीआईडी पूरे मामले की जांच करी, क्या कुछ अपडेट उसका है? कुछ देखिए, बंगाल सीआईडी लगातार चीजों को देख रही है और उस दिशा में वो बढ़ भी रही है। आपने देखा होगा कि असम के जो मुख्यमंत्री के जो प्रेस सलाहकार हैं, उनसे भी बंगाल पुलिस ने पूछताछ की है। तो कई सारी चीजें जो है जो अपने स्तर से बंगाल पुलिस देख रही है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सीधे तौर पर नहीं निकल पाया है कि इस कॉन्स्पिरेसी में कौन लोग शामिल थे। ये जरूर चर्चा हो रही थी कि असम के मुख्यमंत्री का शायद इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि उनसे ही इन लोगों ने मुलाकात की बात कही गई थी और एक फोटो भी आपने देखा होगा कि अनुप सिंह के साथ वायरल हुआ था हाल के दिनों में। तो कई सारी चीजें हैं, अब जब इरफान अंसारी बाहर निकलेंगे, और अभी तो सशस्त्र जमानत मिली है, 3 महीना उनको कोलकाता में ही रहना होगा और उनका पासपोर्ट भी जमा है, बाहर जा नहीं सकते हैं, तो आगे वो मीडिया में जब बातचीत करेंगे, क्योंकि वो खुलकर बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं, बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि वो और क्या नहीं बिल्कुल चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम अपडेट्स दिए इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।